देखिए, राज्य को नए राज्य के गठन के लगभग लगभग 19 साल होने जा रहे हैं, और जो डेवलपमेंट इसका होना चाहिए और हमारी जो सरकार है उसका जो विजन होना चाहिए वो फिलहाल जमीन पे बहुत ही न के बराबर दिखता है। और चैम्बर जिसके पास में बहुत सीमित साधन बोलिए तो कुछ भी नहीं है, तो चैम्बर का कार्य ही होता है प्रोजेक्शन का, प्रेजेंटेशन का, राज्य के औद्योगिक विकास के लिए, राज्य के और व्यापारिक विकास के लिए सोचना और सरकार के माध्यम से उसे जमीन तक लाना। मैं और मेरी टीम इस काम को एक कार्य रूप देंगे। सर, 1 साल कार्यकाल को कैसा देखते हैं सर चैम्बर का? देखिए, 1 साल मतलब जो व्यक्ति अध्यक्ष बन जाते हैं उनके साथ ही चैम्बर की गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं, ये बात नहीं है। हमारे बाद में हमारे पीछे जो टीम आएगी, हमारे जो काम एक तो सामयिक होते हैं और एक लंबी समय के अवधि के होते हैं। जो सामयिक होंगे तो डे टू डे हम लोग उसको 1 साल में करके दिखाएंगे, और जो लंबी अवधि के कार्य होंगे जहाँ तक होगा वो पूरा होगा, बाकी हम दूसरी आने वाली जो टीम है उसको सौंप के जाएंगे। चैम्बर में सर विकृतियां क्या है, इसको दूर कैसे किया जाए? सर, चैम्बर एक ऐसी संस्था है जिसमें विकृति नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। ये कहिए कि जो भी अध्यक्ष होते हैं सबकी अपनी अपनी कार्यशैली होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, और आज तक जितने अध्यक्ष हुए हैं सारे के समय के अच्छे रिकॉर्ड रहे हैं। अपनी क्षमता के हिसाब से सारे लोगों ने अपना रिजल्ट दिया है। बाकी जो तैयारियां जो चल रही हैं, हम लोगों ने कुछ व्हाट्सएप रिलीजेस दिए हैं, और धीरे धीरे आगे भी और कुछ कुछ चलता रहेगा। 29 तारीख को मेरे ऑफिस का ओपनिंग है, उस ऑफिस ओपनिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर हम लोग एक चरणबद्ध तरीके से एक व्यवस्था करके अपना काम चालू करेंगे। हम लोग अपने सभी हमारे जितने भी 21 कैंडिडेट्स होंगे, 21 कैंडिडेट्स और उनके सारे सहयोगी, जितने भी हमारे सब सहयोगी हैं, सब लोग मिल करके मार्केट में लोगों से अप्रोच करेंगे और हमारी टीम के समर्थन करेंगे। कैंपेनिंग किस तरह चल रहा है सर, किस किस माध्यम अभी से? तो क्या हो रहा है कि जो हमारे इस लोग हैं सब लोगों से बातचीत हो रही है कि भाई मैं टीम पे खड़ा हूँ, मेरी टीम खड़ी है और आप लोग सब लोगों को सहयोग करना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा सहयोग मिला, लोग बहुत एंथुजियास्टिक हैं कि नहीं भाई मैं आया हूँ, और बहुत अच्छी अनुभूति हो। सर, विजन क्या होगा इस बार चुनाव का, क्या विजन लेके जा रहे हैं चुनाव में? देखिए, चुनाव एक ऐसा है, ये व्यापार उद्योग एक ऐसा व्यवस्था है जिसके अंदर में चीज़ें कंटिन्यू करती हैं, जो पुराने किसी पुराने या अभी प्रेजेंट वर्किंग में जो चल रहा है उसी को चीज़ों को आगे कंटिन्यू करना पड़ता है और वही आगे चलती है उसके अंदर में। मगर जब जो नया एक प्रेसिडेंट आता है तो उसकी अपनी सोच होती है, अपना एक विचार होता है। तो इस हिसाब से मेरा अपना एक विचार है कि हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को स्ट्रेंडन करना है, उसको मजबूत करना है, और उसको देख करके सरकार से इसका इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत जोर से हम लोग को फोकस करना है चीज़ों के ऊपर में। इससे अगर ये चीज़ हम लोग अगर ये करने में सक्षम हो जाते हैं और हम सरकार के पीछे ये करवा लेते हैं, जो कि मुझे मैं 100% श्योर हूँ कि ये सारा हो जाएगा, तो व्यापार और उद्योग और फल फूल जाएगा और झारखंड एक अब समृद्ध राज्यों में गिना।